फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव कहावत है, और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ही ब्रेव इंसान बैठे हैं। ब्रेव क्यों? क्योंकि जब बड़े बजट की फिल्म आप सिर्फ ए लिस्ट स्टार्स के साथ सोच सकते हैं, इन्होंने एक नॉन ए लिस्ट एक्टर के साथ एक बड़ी फिल्म बनाई, बड़े बजट की फिल्म बनाई। जब छोटी फिल्में, छोटी इन लेंथ, 2-2.25 घंटे की फिल्में इज द नॉर्म, इन्होंने 3 घंटे 8 मिनट की फिल्म बनाई। जब कमर्शियल एंटरटेनर्स, मसाला एंटरटेनर्स इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन, इन्होंने एक बायोपिक बनाई, और इसलिए कामयाबी इनके कदम चूम रही है और चूम चुकी है। जी हां, इन्होंने इस साल की 2nd 100 करोड़ फिल्म बनाई है। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम द ब्रेव मैन, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। राकेश जी, वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू कोमल, यू ऑलमोस्ट मेकिंग मी फील लाइक कि अभी बस मुझे बॉर्डर पे जाके खड़ा हो जाना चाहिए और इंडियन आर्मी तो ज्वाइन कर लेनी चाहिए कम से कम। ब्रेवरी अलग अलग किस्म की होती है, एंड यू एक्चुअली शोन अ लॉट ऑफ ब्रेवरी। फरहान अख्तर के साथ एक 40-45 करोड़ की फिल्म बनानी कोई मामूली बात नहीं है। जब आपने ये फिल्म शुरू की भाग मिल्खा भाग, आपके दिमाग में ये बातें तो आई होगी कि इतने बड़े बजट की फिल्म बना रहे हैं, एक बायोपिक बना रहे हैं, तीन घंटे तो शायद बाद में पता चला होगा, आई डोंट नो, सो डिडंट दीज थॉट्स क्रॉस योर माइंड कि ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? ये सारी एक्सटर्नल वॉइस होती हैं और विजडम होती है, कलेक्टिव एक विजडम होती है इंडस्ट्री की, आपके वेल विशर्स की, आपके डिट्रैक्टर्स की, और वो ये सारी चीज़ें तो घूमती रहती हैं। तो बहुत ही पहले बचपन में सीखा था कि सुनो सबकी, करो मन की। करेक्ट। और आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज अ डायरेक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो अपनी मन की आवाज़ सुनना, अपने इंस्टिंक्ट्स की आवाज़ सुनना, क्योंकि इवन इफ देन यू फेल, यू आर फेलिंग ऑन योर ओन चॉइसेस। इमेजिन आप फेल हो गए किसी और की बात सुन के, तो और भी ज्यादा बुरा लगेगा। करेक्ट। और जब आप अपनी अंदरूनी आवाज सुन के फेल होते हैं तो उससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलती है, आप कंफ्यूज नहीं रहते। तो ये भाग मिल्खा भाग बनाने की कब सोची आपने? बचपन में दो नाम सुने थे, दारा सिंह और मिल्खा सिंह। अच्छा। तो आई एम सो हैप्पी आई कांट टेल यू कोमल की एक होता है कि आपके काम को सराहा जाए, एक होता है थोड़े लोग अच्छे रिव्यूज आपको मिल जाए, आप खुश हो जाते हैं कि आपका आर्ट फॉर्म जिसके लिए आप हैं एक्सेप्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, क्रिटिकली एक्सेप्ट हुआ है। एक होता है जब आप बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म करें फिल्म, और इसमें तो तीनों ही रीजन मिल गए कि ए बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म कर रही है, एंड इट्स दो क्रिटिकली भी इसको अच्छे रिव्यूज मिले हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली विच इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अ मूवी फॉर मी इज ये जैसे मेरे जहन में थी बचपन से, बचपन से जी। अच्छा, मतलब ये कहानी, इस कहानी का जज्बा, वो चीज अब लोगों के साथ जुड़ गई है, आज की जनरेशन से जुड़ गई है। आई हैव बिकम अ ब्रिज फॉर दैट काइंड ऑफ अ थिंग। करेक्ट। एट बेस्ट अ मीडियम। करेक्ट। एंड ओवरऑल लोगों ने बड़ा प्यार दिया। करेक्ट। मतलब आप ट्रैवल करते हैं तो कभी ऐसा कुछ, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं तो काफी ट्रैवल करता हूं ताकि टच में रहूं लोगों के। अच्छा। हाँ, मैं बॉम्बे में ट्रेन पकड़ लेता हूँ, बांद्रा से मीरा रोड और वापस। रियली? हाँ, जब टैक्स फ्री हुई महाराष्ट्र में तो इमीडिएटली आई टुक अ ट्रेन जर्नी। द फर्स्ट थिंग आई टुक वाज ट्रेन में बैठ के मीरा रोड एंड वापस, एंड आई आस्क की टैक्स फ्री हो गई है। उन्होंने बोला बहुत अच्छा हुआ है ये, क्योंकि अभी तक हमने देखी थी, अब हम अपने पूरे परिवार को ले जा सकते हैं, बिकॉज वी कैन अफोर्ड नाउ। हाँ, साथ में बैठ के देख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली अदरवाइज फिल्म मेकिंग हैज बिकम सो एक्सपेंसिव फॉर अ फैमिली टू गो। अगर 300-400 रुपए का टिकट है और हमारी फैमिलीज भी 6-7 लोगों से कम कहां होती है, और एक 5,000 का बिल आ जाता है। करेक्ट। अगर वही बिल 500 रुपए का हो गया है, अभी अगर 40-50 रुपए की टिकट एक सिंगल फ्लेक्स में मिलने लगी है टैक्स फ्री के बाद। करेक्ट। सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर
a majority, majority of India. And therefore for the film industry also. Oh, most certainly. And when you can afford something, then it doesn't matter. तो आपने कहा कि आपने दो नाम सुने थे बचपन से, दारा सिंह और मिल्खा सिंह. जी. तो मिल्खा सिंह had held your fascination. I was a small time sportsman myself. अच्छा आप स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं. आई वॉज अ स्विमर एंड आई यूज टू प्रैक्टिस इन अपना नेशनल स्टेडियम. मैंने आपको ऑटर्स क्लब में स्विम करते हुए देखा है. नेशनल स्टेडियम में मैं रोज स्विमिंग करता था, मतलब 5-6 घंटे वहां पीछे जाते थे. वहीं मिल्खा सिंह जी प्रैक्टिस करते थे मेरे से 25 साल पहले. बट हमेशा हमें उनके एग्जाम्पल दिए जाते थे, हमारे कोचेज, बाकी जो इंडियन हॉकी टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम है, एथलेटिक्स टीम है, वो सब वहीं होती थी नेशनल स्टेडियम में. सारे कैंप हमारे इकट्ठे लगते थे. एशियन गेम्स के कैंप तक मैं पहुंचा था बट सिलेक्ट नहीं हुआ उस टाइम. अच्छा. हाँ, तो बातें होती थी, हमें बताया जाता था कि मिल्खा सिंह कैसा एक बाल्टी भर के पसीना निकालते थे, बेहोश हो जाते थे, मुंह से खून की उल्टियां होती थी, ही यूज टू यूरिनेट ब्लड, ही वॉज सो हार्ड वर्किंग कि उन्होंने इतना हम सबको बहुत इंस्पायर करते थे. कभी कभी तो गुस्सा भी आता था कि यार इनका नाम लेके फिर हमें बोल दिया मिल्खा सिंह, अब फिर कहाँ और करना पड़ेगा. अब वो चीज कहीं ना कहीं आपके जहन में घर कर जाती है. और 20-30 years लेटर व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन अ डायरेक्टर्स चेयर, तो क्या करोगे आप? यू गो बैक, लुक इनसाइड एंड पुल आउट वट एवर यू नो एंड वट एवर, जिन चीजों ने आपको मूव किया इमोशनली वही आप लोगों को बांट सकते हो. मतलब जो मिला है आपको वही आप दे सकते हो. करेक्ट. कहीं से तो आप क्रिएट इन्वेंट कर नहीं सकते एक्सपीरियंसेस. फिर एक इनकी बायोग्राफी मिली, ऑटोबायोग्राफी. अचानक हाथ लगी. बट वो गुरमुखी में थी, गुरमुखी मतलब पंजाबी लिपि में लिखी. करेक्ट. तो समझ नहीं आई, बट पन्ने उसके पलटे तो अरे जवाहरलाल नेहरू के साथ तस्वीर, क्वीन एलिजाबेथ के साथ तस्वीर, एक फॉरेनर के साथ डांस कर रहे हैं एक बॉल रूम में, जनरल वोरा के साथ तस्वीर, और अलग अलग ट्रफेलगर स्क्वायर में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें. मतलब एक इंटरेस्ट सा हुआ. तो हमारे प्रोड्यूसर हैं राजीव टंडन, उनके अंकल यहीं हैं मुंबई में, उनको गुरमुखी आती है, तो उन्होंने वो ट्रांसलेट की और उन्होंने हमें बोला कि ये आपको सीरियसली सोचना चाहिए. जब उन्होंने कहानी के बारे में बताया और जो उनके चाइल्डहुड के बारे में मुझे पता चला, जब कि मिल्खा सिंह जब 12 साल के थे तो अपनी आंखों के आगे उन्होंने अपने माँ बाप का कत्ल देखा, अपनी बहनों का, अपने भाइयों का, अपने पूरे खानदान का, और एक विलेज में 2000 लोगों का मास फ्यूनरल था. किसी तरह ट्रेन में बैठ के दिल्ली पहुंचे, रेफ्यूजी कैंप आए, रेफ्यूजी कैंप में कुछ खाने को नहीं, कुछ रहने को नहीं, वहां उन्होंने एक छोटा सा गैंग ज्वाइन किया, चाकू उठाया 12 साल की उम्र में. ये बहुत फैसिनेटिंग हो गया कोमल कि 12 साल का बच्चा जिसके सर पे माँ बाप का साया नहीं, रहने को छत नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, छोड़ो जूते तो है नहीं, खाने को खाना नहीं है, चाकू छुरी चलाता है, कोयला चुराता है, चावल गेहूं सब चुराता है, वो जाके वर्ल्ड चैंपियन बना. अब मेरे घर में भी बच्चे हैं, मतलब my daughter is 13 and a half, my son is 12, and they are growing up, and I can understand the younger generation today, the growing up, or this is the provided generation ki aaj kyun nahi gaye tum apne squash practice ke liye, nahi papa mere wo ye shoes mere ko thoda pinch kar rahe hain, 10,000 rupaye ke joote hain wo, aaj kyun nahi hua mera wo squash racket jo hai wo jo world champion jisse khelta hai wo nahi hai wo वो इसका उसका रैकेट 13 ग्राम हल्का है, मेरे हाथ में दर्द होता है. अच्छा, आई सेड अब तो भाग मिल्खा भाग बनानी ही पड़ेगी. मतलब वी हैव टू कन्वे. अब मैं इनको जितना भी बोलूं समझ नहीं आएगा. दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अबाउट, इट इज मतलब, बट इट्स नॉट अबाउट योर डाइट प्लान एंड द फैसिलिटी, इज समथिंग मोर इज इनसाइड. करेक्ट. मतलब 90% इज इनसाइड यू. करेक्ट. और वॉट amazing achievements. He won 77 out of the 80 races he ran worldwide professionally. 77 gold medals, commonwealth game record, asian games record, world record. मतलब इट्स अमेजिंग. तो वो बायोग्राफी ने एक्चुअली वो थॉट प्रोसेस आपका शुरू किया कि हाँ जी ये बन सकती है, ये बन सकती है. तो उसके बाद आप मिल्खा सिंह जी से मिले?
हाँ बिल्कुल, मैं चंडीगढ़ गया, दैट वॉज योर फर्स्ट मीटिंग? फर्स्ट मीटिंग मेरे उनके घर गया, एंड वी एकदम ऐसा थ्रू अ फ्रेंड आई वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंड ही यूज टू बी अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, नाउ ही इज बीन अ गेम चेंजर इन इंडियन स्पोर्ट्स. ओके. एंड सो उनसे मिला एकदम ऐसा, मतलब नॉर्मल निमी आंटी मिली, पहले खाना खिलाया, फिर लस्सी पिलाई, फिर मीठा खिलाया, फिर एकदम घर जैसा एनवायरनमेंट, पंजाबी हॉस्पिटैलिटी एट इट्स बेस्ट. मेरी आज भी याद है, मेरी 5:30 बजे की फ्लाइट वापस थी, मैंने वो कैंसिल की, फिर मैं रात को वहीं रुका और बातें की, फिर शाम को फिर उनके घर पर ही रुके. नहीं, मैं साइट के होटल में रुका, जो उन्होंने कहा आप होटल में नहीं रुक सकते, आप बॉम्बे से आए. तो मुझे फिर भी लगा, यू नो, हम बॉम्बे, मुंबई वालों को थोड़ा ऐसा लगता है कि, बट तो अगले दिन सुबह रात भर मेरे को नींद आई नहीं आई मुझे मालूम नहीं, बट सुबह उठ के मेरे को लगा ऐसा कि ये बहुत मेरे को मन है. फिर भी मैंने फ्लाइट पकड़ ली, मैं आ गया वापस. आके मैंने भारती को बोला, राजीव को बोला, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, कि मैं ये फिल्म बनाना चाहूँगा अभी. और तो उन्होंने बोला बिल्कुल, मतलब इफ़ यू फील सो स्ट्रांगली अबाउट इट लेट्स गो बैक. सो वी वेंट बैक टू मीट मिल्खा सिंह. कितने दिनों बाद? ये तुरंत, मतलब 10 दिन के अंदर, 10-15 दिन के अंदर. मैं और राजीव गए, उनसे मिले, और फिर वो बातचीत शुरू हो गई. और उनको कई ऑफर्स आए थे, ऑलरेडी ऑफर्स थे, एक ऑफर था. फिर हमारी बात अगले 2-3 महीने ऐसे चलती रही, और क्योंकि मिल्खा सिंह जी वॉज नॉट यूज टू बॉम्बे प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स कमिंग होम टू हिज हाउस. सो ही, और लोगों को पता चला कि वहाँ राकेश मेहरा आया, तो एक दो लोग और पहुंच गए पंजाब इंडस्ट्री से कि जी हम बनाते हैं, ये होता है. अचानक लोगों को सडनली इंटरेस्ट जाग उठा. हाँ, वो मतलब भेड़ चाल शुरू हो गई. और ही गॉट एन ऑफर ऑफ 1.5 करोड़ एंड वन फॉर 80 लाख, एंड आई हैड सेड आई हैव नो ऑफर टू गिव, वॉट एवर यू फील. अच्छा, आपने उनके ऊपर छोड़ दिया. मैंने कहा वॉट एवर यू फील, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू निगोशिएट विद यू for whom I'm making the film. Correct. I said, I know obviously it doesn't have a manager or an agent, but God sent was Jeev Milkha Singh. He was traveling. Teen mahine baad jab wo aaye in the picture, he said, just relax dad, let me come. And Jeev Milkha Singh and Rajiv Tandon, they met. I met with him. Yani Jeev and Rajiv. Yeah, Jeev and Rajiv, and they met. They spent a couple of days, matlab baat karte karte on emails, and they worked it out, and everything was fine. And Jeev told Jeev Milkha Singh told Milkha Singh, his father, ki dad ab ye film banayega to sirf Rakesh banayega, hame deni hai to Rakesh Mehra ko deni hai, aur denge bhi 1 rupaye mein. Wow. And both me and Rajiv were surprised. Matlab there's 1 rupee he is asking for it, and that started it all. That trust what he gave, that 1 rupee was more than anything, more than many crores actually. Oh yes, it means a lot. It means ki main ab aapko apni jeevni ke sath trust kar raha hu, aap meri life ko parde pe utarenge, pata nahi kya karenge, kya hone wala hai. Aur is umar mein aake mujhe ye bhi dekhna padega. Aur but wo trust jab mila तो फिर बहुत अच्छा लगा. फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की, और थोड़ा कुछ मटेरियल. मेरे को हमेशा ये लगता था कि ये कहानी के जरिए मैं कहना क्या चाहता हूँ और है क्या इसका मतलब. तो पहला सीन यही आया दिमाग में कि वो रोम में दौड़े और पीछे मुड़ के देखते हैं, क्योंकि वो पीछे मुड़ के देखा था मिल्खा सिंह ने, पर टेक्निकल रीजंस के लिए देखा था. और जब उनका कोच बोलता है तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं, और पीछे उनका बचपन है, टॉर्चर्ड, चीखता हुआ चिल्लाता हुआ बचपन. और जब फिल्म एंड होती है और अब वो जब रेस दौड़ते हैं लाहौर की, और वो साइड में मुड़ के देखते हैं, तो वहां उनका बचपन है, वही बचपन मुस्कुराते हुए उनको देख रहा है. और हमने वहां चीटिंग की, क्योंकि लाहौर की रेस रोम से पहले थी, मगर फिल्म में लाहौर की रेस आपने बाद में दिखाई. तो जब ये ऐसे करके बोला, और मैंने मिल्खा सर को बोला, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है. अच्छा. हाँ, उन्होंने कहा, मैंने कहा ये मैं लीप लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कहानी के आधार से मुझे ऐसे लगता है कि जो भी जख्म थे वो भर गए, वो मलहम वो बहुत जरूरी है हमारे लिए
एंड सर मैं कोई डॉक्यूमेंट्री तो बना नहीं रहा हूँ. करेक्ट, दैट इट हैज टू बी एब्सोल्युटली. हाँ हाँ, सिनेमा का अपना जादू होता है. एक कहानी है एक इंसान पे, फिर उसका आप उस पे आप डायलॉग्स लिखते हैं और उसके सीन्स बनाते हैं. करेक्ट. फिर आप बैठते हैं अपनी टीम के साथ. यहाँ मेरी टीम कमाल की, विनोद प्रधान द ग्रेट कैमरामैन, भारती मोस्टली, एंड वी सैट फॉर 6-8 मंथ्स इवन बिफोर वी स्टार्टेड द प्री प्रोडक्शन. मतलब प्री प्रोडक्शन अगर हमने मार्च में शूटिंग की तो उससे 4-5 महीने पहले प्री प्रोडक्शन जोर पकड़ गई थी. उससे 6 महीने पहले. अच्छा, इतना समय दिया? हाँ, विनोद ने दिया मेरे को. मतलब रोज आके ऑफिस में बैठ के, रोज आके. एक तो उससे पहले स्क्रिप्टिंग में बहुत मजा आया, जो मैं और प्रसून जोशी हर वक्त चंडीगढ़ जाते हैं, रोज की हफ्ते महीने में 2-4 दिन, कभी 5-5 दिन. और बहुत मजा आता मिल्खा सिंह जी के साथ बैठ के डिक्टाफोन रख के, तो जो वो बोलते जाते हम बंबई आके उसके सीन्स बनाते जाते, फिर वापस जाते. जो जब वो अपनी बहन के बारे में बात करते थे उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे. जब वो अपने बचपन के बारे में, इसीलिए बहन के जो सीन्स है उसमें पब्लिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं. वो सब मिल्खा सिंह का है. हम, मैं बता रहा हूं, हम लोग सिर्फ एक तार है. जो बिजली उसमें से गुजरी है वो मिल्खा सिंह की गुजरी है. वाओ. और जो बिजली उसमें से कड़की है वो फरहान अख्तर की कड़की है, क्योंकि उसने फिर वो मिल्खा सिंह बन गया. उसने एक्टिंग नहीं की. करेक्ट. ही बिकेम द रोल. जनरली ऐसे माना जाता है कि ये जो कॉर्पोरेट्स है फिल्म इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन हाउसेस बड़े बड़े हैं, वो स्टार्स को देखकर पैसा लगाते हैं. आपकी फिल्म का बजट इतना था, आई थिंक इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 45 करोड़, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. लेस देन 40. नहीं, प्रमोशन एंड मार्केटिंग तो मोर देन 45. अब फरहान अख्तर वॉज नॉट एन ए लिस्ट एक्टर. आज डेफिनेटली फरहान अख्तर के साथ मोर फिल्म मेकर्स वुड बी विलिंग टू मेक एंड मोर प्रोडक्शन हाउसेज वुड बी विलिंग टू पुट इन दैट काइंड ऑफ मनी. फिर आपको इतना पैसा देने के लिए कैसे एग्री कर गई एक कॉर्पोरेट हाउस? बिल्कुल नहीं, किसी ने किया एग्री शुरू में. पहले जो 3.5 साल बीते वो वेरी डिफिकल्ट. कोमल, आई कांट टेल यू हाउ डिफिकल्ट दे वर. एक तो इससे पहले मेरे पीछे दिल्ली 6 थी. दिल्ली 6 वॉज नॉट अ कमर्शियल सक्सेस. सो ऑलरेडी एक बर्डन था. बर्डन नहीं, अगर कि मेरे बैंक में पैसा नहीं था, जो था वो निकल चुका था. सो मतलब वी डोंट हैव, आई एम नॉट अ होल्डर ऑफ मनी एंड ऑल दैट, बट हमें करना है, ये फिल्म पे काम करना है. तो कुछ ना कुछ करके करते 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 हम गाड़ी को धक्का देते देते 1-2 साल हो गए. डेवलप होती रही फिल्म, उसमें टाइम लगता है, ऑफिस चलाना होता है, फैमिलीज चलानी. तब तक कॉर्पोरेट हाउस नहीं आया? नहीं नहीं, कोई नहीं आ रहा था अंदर. कोई नहीं. एंड द ऑफर्स वी वर गेटिंग वर रिडिकुलस, लाइक 15 करोड़ वाज द मैक्सिमम ऑफर. द हाईएस्ट ऑफर, हायर ऑफर वाज 15, व्हिच वेंट अप टू 18. बट फिर भी आपने हिम्मत की ये बोलने की कि नहीं, मेरी फिल्म डिमांड करती 38 और 37 करोड़? नहीं, आई सेड इट डिमांड्स 33 करोड़, 33.28 ऐसा कुछ हमारा बजट था. एंड अगर और देंगे तो और अच्छा होगा. एंड देन आई केम डाउन टू 27. आई सेड ओके, वी विल टेक अ लीप. मैं अब 5 हफ्ते कहीं से डाल दूंगा, क्योंकि तब तक हम 2 हफ्ते डाल चुके थे. अब जब हम थर्ड ईयर में घुसे तो और प्रॉब्लम. मतलब अब सब अपने आप को हम सोचने लगे और अपना बिलीफ डगमगाने लगा कि यार ये गड़बड़ हो गई, ये टेढ़ी घोड़ी पे बैठ गए वापस. ये तो कोई आ नहीं रहे. एंड किसको कितना याद दिलाओ कि यार कि तुमने रंग दे बसंती बनाई थी और मुझे बहुत हाँ. मतलब वो क्या करोगे, वो सब लोग भूल गए अभी. सो भारती वॉज ऑल्सो माई वाइफ एंड वॉज अ प्रोड्यूसर एंड शी सेड लिसन, वो दिल्ली में हम लोग रहते नहीं, गुड़गांव में, एंड द फ्लैट इज लाइंग लाइक दैट ओनली एंड यू सेल इट. वी डोंट यूज इट एनी वे. हम जब दिल्ली आते हैं तो होटल में रहते हैं वैसे भी. वी डोंट मेंटेन एक्चुअली. So there's something we had bought for 20 lakhs which had become 2 crores over the last 18 years. So pehle wo gaya. So it sustained us. I said paise aa gaye, chalo kharchte hain, let's do more. Let's start. And then by which time we started casting and all this started happening, and still we were fighting uphill battle. Then she said, listen, we have these shares for which we had kept and we think it's useless. The kids will make out their own future. So we sold all the shares, whatever we had. And we didn't have much, some 2-2.5 crores.
सो वी पुट इन 4-5 करोड़ ऑफ आपके खुद के। हाँ, उससे हमें एक सस्टेनेंस मिल गई, बट हमने मार्केट को नहीं पता चलने दिया कि ये हो रहा है, हमारे बार बिक रहे हैं। हाँ, वो होने, हमने कहा चलने देते हैं, और हम चल बढ़ते रहे आगे विथ कॉन्फिडेंस की वी आर गोइंग फॉर इट, एंड वी वर गोइंग फॉर इट बिलीविंग इन कि कुछ तो होगा। When the market saw this belief and they saw Farhan joining in, and they said, "Yeah, ye Rakesh and Farhan are serious filmmakers. They are not ki like they are not every day is this thing jo utke ye kar shuru ho jate. Shankar Ehsaan and Loy are serious music directors. Correct. Matlab they if they are doing something, Prashun Joshi is a serious writer. मतलब ये सारे हैं तो ये लोग कुछ कर रहे होंगे। तो आहिस्ता 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 वी पीपल स्टार्टेड बीइंग रिसेप्टिव एंड देन वी वर वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड विच आई हैड डिस्कस द स्क्रिप्ट विद वाईकॉम विद विक्रम मल्होत्रा 1 year अगो। हिम बीइंग अ स्पोर्ट्समैन हिमसेल्फ एंड प्लेड टेनिस एंड ऑल दैट वॉज वेरी अटैच टू मिल्खा सिंह, but for him also to stretch his neck out was very difficult. After all, he was working for a company. Also that and how much to stretch out? How much exactly? 18 ka 20 hota to samajhne ki baat thi. Haan, wo sab hai. But, matlab 20 ka 32 hona, it's putting a yeah. name on the line. Correct. But he made his name, I think he fought with his board. He made it happen. And we got... a good 33 crores for it, 33 crores 28 lakhs finally. And I'll be absolutely there are many scripts like Bhag Milka Bhag, many makers like me, and which those scripts must be lying hamari drawer mein kahin and dust pakad rahi hongi. You need somebody to believe in it and come forward. So when that forces joined, then we went for it. Even then it was very difficult to reach the last mile because ab compromise ka mamla nahi tha. Correct. Tokyo Stadium, Tokyo dekhna chahiye, Rome Olympics dekhne chahiye. Ye hame nahi bolna chahiye ki Hollywood film mein to budget hota hai. Wo mere ko kabhi aaj tak samajh nahi aaya. To nahi banao fir. Kisne bola hai film banane ke liye? Ha, but don't take this excuse. Don't take this excuse. Don't make the movie. Don't blame ki meri film mein star nahi tha. To mat banao. Who said ki banana hai? Koi पागल कुत्ते ने काटा है कि यू हैव टू डू इट। राकेश जी, आपने भी ये सुना होगा जब फिल्म रिलीज हुई, सबको मेरे ख्याल से यूनानिमस एक ही आवाज आई, लवली फिल्म, वंडरफुल फिल्म, बट एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस थी जिन्हें ये लंबी लग रही थी। जी। आपने भी ये बातें सुनी? बहुत बहुत। तो जब आप फिल्म के एडिटिंग पर बैठे थे, आपको ऐसे एहसास हुआ कि ये लंबी जा रही है? डिड यू ऑल reconsider editing it or something like that? मैं फिल्म की एडिटिंग पे कभी बैठा ही नहीं, पहली बात तो। Okay, not at all. नहीं। You left it to the editor. Correct. She I don't sit on anything. I let people do and then we take it from there. We saw the film and the earlier cuts were even longer. And then once she felt कि ये है, then I said कि यार अब लंबी है या छोटी है, जैसी है यही है, ये फीलिंग करेक्ट है। माय स्क्रिप्ट सुपरवाइजर एंड माय डीएस वर ऑल टेलिंग मी, सर यू आर शूटिंग अ 3-hour 45-minute फिल्म। आई सेड आई एम शूटिंग अ फिल्म व्हिच विल नॉट बी वन फ्रेम एक्स्ट्रा, वेदर इज 3-hour 45 minutes और 2-hour 45 minutes, इट डजंट, और वेदर इज 2 hours, वेरी ट्रू। अदरवाइज आई विल, इफ यू टेल मी टुडे आई लीव योर स्टूडियो एंड यू टेल मी कि मेहरा यू शुड मेक 2 hour फिल्म्स, दिल बी वेरी सक्सेसफुल, मैं तो कल से 2 घंटे की फिल्में बना रहा हूँ, बट अगर नहीं हुई सक्सेसफुल तो मैं आपसे आके पूछूंगा, कोमल आपने मुझे बोला था 2 घंटे की फिल्म और सक्सेसफुल नहीं हुई, व्हाट हैपेंड? करेक्ट। सो डिफरेंट फिल्म्स, डिफरेंट थिंग्स, वेरी ट्रू। मिल्खा सिंह जी ने एंड योर गुरु सिड फील्ड, मिस्टर सिड फील्ड, डिड दे सी द फिल्म एंड व्हाट वॉज देयर रिएक्शन? Both have seen the film. Most importantly, Milka sir, he saw it with me and Farhan. We both saw the film together. He was sitting in between in Delhi in director's cut in PVR. And he saw the film and many a times he held my hand.
मैनी अ टाइम्स ही लाफ लाइक अ चाइल्ड, मैनी अ टाइम ही क्राइड लाइक अ किड, मैनी यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. आप अपनी लाइफ देख रहे हो, करेक्ट, आपकी फीलिंग क्या होगी? यू एक्चुअली रीलिविंग योर मोमेंट्स. हाँ, एंड पेनफुल मोमेंट्स एंड ट्रायंफ मोमेंट्स. आई सो ही वॉज he actually broke down. He hugged Farhan and he said ki matlab aaj se ye Milkha Singh nahi hai, tu hi Milkha Singh hai. Sweet, what a compliment. Yeah, he said aaj se Milkha Singh ko tere se jana jayega. Aur he called me a son and I felt like that. And he said ki beta tune kya kar diya hai, tune to Milkha Singh ko amar kar diya. And Rakesh ji, आखिरी सवाल, भाग मिल्खा भाग के बाद अब किस दिशा में भागने वाले हैं आप? अब मैं भागने वाला नहीं आई भाग मिल्खा भाग हैज बीन अ लाइक अ फुल सर्कल फॉर मी. अब आई थिंक रोमांस, मिर्जा साहिबा इज अ फोकलोर. इट्स अ रोमांटिक फोकलोर. इट्स इन द लाइन्स in the group of Romeo Juliet, Heer Ranjha, you know. Correct. So Mirza Sahiba, and it's a tragedy. Aur uski casting ho gayi hai. It's a story which plays in today's time, in 2014, matlab ek saal baad jab hum shoot karenge. It's a young pair, a new pair of boy and girl. The story reverberates in the past and echoes in the future. अच्छा, ओके. सो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रक्चर. इट्स ब्यूटीफुल, वेरी चैलेंजिंग, एंड ऑल दैट इज वी सिंगल लाइन इज द नरेटिव ऑफ द म्यूजिक विच मुजार भाई हैज रिटन द स्टोरी एंड द म्यूजिक. न्यू वे टू लुक एट रोमांस, कंटेम्प्रेरी रोमांस. मेरे टाइप तो देख नहीं सकते, मैं तो 50 साल का हो गया. सो बी यंग एट हार्ट. यंग एट हार्ट, डेफिनेटली. सो I found it. We've been very fortunate. I found it in Harshvardhan. Harshvardhan Kapoor. Harshvardhan Kapoor. Anil Kapoor ke suputra. Haan, suputra. And Harsh is excellent. We've been talking for a year now. And ab jaake laga hai ki haan, he feels ready. I feel he's correct. We both are feeling very happy about it. And so this is a journey we'll start. And the girl? We are looking for Saiba. A new girl, of course, yeah. Hopefully, I can do justice to romance. I can understand romance. The idea of romance, ki, for me, love is eternal. Love is illogical. Logic nahi hona chahiye usme. What I'm trying to say, mere liye, for a movie is not a destination, it's a journey. It's my own question, crisis for all of us. Correct. Which is like for the audience also. True. So we're always looking for something. So through a film, we'll hunt for something. Kuch milega to achhi baat. For the present, of course, you're hunting for a new girl. Thank you, Rakeshji. We could go on and on, but it was a pleasure talking to you. My pleasure. So always so nice to be with you. Thank you so much. Yeah. Thank you. तो दोस्तों, ये थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा साहब. इनकी फिल्म भाग मिल्खा भाग, जैसा मैंने पहले भी कहा, सिनेमाघरों में भागती जा रही है, दौड़ती जा रही है, नए रिकॉर्ड्स कायम करती जा रही है. एंड यस, इट वाज रिलीज ड्यूरिंग रमजान. ये याद रखिएगा, रमजान में जब बड़ी फिल्में आने से, सिनेमाघरों में आने से कतराती है, बिकॉज इट इज ट्रेडिशनली बिलीव दैट रमजान के महीने में डिवाउट मुस्लिम्स डू नॉट गो टू द सिनेमास. उस रमजान के पीरियड में इस फिल्म को रिलीज करना एंड देन 100 करोड़ तक पहुंचना एंड स्टिल गोइंग स्ट्रांग, वेल दैट्स अ ह्यूज ह्यूज फीट, अ ह्यूज अचीवमेंट. फ्रेंड्स, वी लीव यू विद दैट. हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में. इन द मीन टाइम, आपके कोई सुझाव, कोई सजेशन हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@znetwork.com. And if you have any questions relating to the world of cinema, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए BBiz, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 57575 पर. You can follow us on Twitter @EDC Bollywood. This is Komal Nahata, bidding you goodbye.